छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 अप्रैल 1980 ये वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी लोकसभा में 2 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी का 303 सीटों पर पहुंचने का सफर भी काफी रोचक रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आखिर पड़ा कैसे, और जिस कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है वो चुनाव चिन्ह मिलने की पूरी कहानी आखिर है क्या। जब 1984 में कांग्रेस की लहर के आगे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार गए, तब कौन से थे वो 2 सांसद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की किरण जलाए रखी, और साथ ही बताएंगे आपको 42 साल पहले की भाजपा और आज की भाजपा में आखिर क्या अंतर है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। भाजपा के नाम और उसके झंडे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में एक रोचक किस्सा है। ये किस्सा सुनाने से पहले आपका 1980 की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। 1980 के आम चुनावों में जनता दल को महज 31 सीटें मिली, जिसके बाद जनता दल ने अपने सदस्यों पर दोहरी सदस्यता लेने की रोक लगा दी, यानी जो नेता जनता दल में है वो आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकता था। इस विरोध में जनसंघ के सभी सदस्यों ने जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। अब आते हैं किस्से पर। जनता दल से बाहर होने के बाद जनसंघ के नेताओं ने नई पार्टी बनाने की सोची। आडवाणी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस वक्त पार्टी के नाम को लेकर कश्मकश चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ होना चाहिए, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के दिए नाम भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिला और इस तरह 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब जब पार्टी नहीं बनी तो नए चिन्ह और झंडे की भी जरूरत थी। आडवाणी के मुताबिक जनसंघ के निशान दिए की जगह कमल के फूल ने ले ली। इसका 1/3 हिस्सा हरा और 2/3 हिस्सा केसरिया था, जिसके बीच में कमल का फूल बना हुआ था। बाद में कमल का फूल ही भाजपा का चुनाव चिन्ह बना। अब ये चुनाव चिन्ह पार्टी को कैसे मिला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आडवाणी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपनी पार्टी को चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पास पंजीकृत करवा पाते, और ना ही वो कमल के फूल पर चुनाव लड़ सकते थे क्योंकि उनको वो चिन्ह आवंटित ही नहीं हुआ था। उस वक्त पार्टी ने चुनाव आयोग से वार्ता के लिए आडवाणी की ड्यूटी लगाई। तब SL शकदर चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। शकदर ने जब आडवाणी से मुलाकात की तो शकदर ने उनकी नई पार्टी को शामिल करने से मना कर दिया क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और भाजपा को पार्टी के तौर पर पंजीकृत भी नहीं किया गया था। लेकिन आडवाणी के आग्रह पर शकदर इस बात के लिए राजी हो गए कि आडवाणी स्वतंत्र उम्मीदवारों को दिए जाने वाले चुनाव चिन्ह में से किसी एक चिन्ह को चुन ले और वे भाजपा के सभी उम्मीदवारों को वही चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दे देंगे। आडवाणी लिखते हैं कि उन्होंने चिन्हों को देखना शुरू किया और ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा कि उनमें से एक निशान कमल के फूल का भी था। उन्होंने चुनाव आयुक्त से पूछा कि क्या वो हमें कमल का फूल दे सकते हैं। शकदर पहले से ही जानते थे कि भाजपा के झंडे पर कमल का फूल बना हुआ है। वे आडवाणी की तरफ देखकर मुस्कुराए और अपनी स्वीकृति दे दी। तो इस तरह भाजपा ने अपना पहला चुनाव स्वतंत्र पार्टी के तौर पर कमल के निशान पर लड़ा।
ये तो सब जानते ही हैं कि साल 1984 के आम चुनाव में भाजपा महज 2 सीटों पर ही जीत पाई थी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि भाजपा के वो 2 सांसद आखिर कौन थे जो इतनी करारी हार के बाद भी संसद तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। भाजपा के पहले 2 सांसदों में से एक थे डॉक्टर ए.के. पटेल, जो गुजरात की मेहसाणा सीट से चुनकर आए थे। पटेल 1975 से 1984 तक गुजरात विधानसभा के सदस्य थे। 1977 में उन्हें गुजरात से भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1984 में वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और लोकसभा चुनाव में मेहसाणा से जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वे लगातार 5 बार सांसद भी रहे। 1998 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। भाजपा के दूसरे सांसद थे चंदू पातला जंगारेड्डी। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के एक गांव के स्कूल के शिक्षक रहे रेड्डी। भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई तो जनसंघ के साथ जुड़ गए। वे 1967 से 84 तक लगातार 3 बार विधायक रहे। 1984 के आम चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और वो जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को हराया, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं 42 सालों में भाजपा के विस्तार पर। विधायकों की बात करें तो 1981 में भाजपा के 148 विधायक थे, जिनकी संख्या 2022 में 1296 है। 1984 में भाजपा के महज 2 सांसद थे, आज इनकी संख्या 303 है। नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो 1984 में जहां भाजपा को महज 1,82,00,000 वोट मिले थे, वहीं साल 2019 में भाजपा के खाते में 22,90,00,000 वोट आए। कार्यकर्ताओं की संख्या की बात करें तो 42 सालों में भाजपा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया है। 1980 में भाजपा के सदस्य जहां 25 लाख थे, वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 3,96,00,000 थी। और 2019 की बात करें तो भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 17,40,00,000 हो गई, वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य महज 9,14,00,000 हैं। यानी मोटा माटी बात करें तो पिछले 42 सालों में भाजपा के विधायक 900%, वोटर्स 1,000%, सांसद 15,000% बढ़ चुके हैं। ये वो पार्टी है जिस पर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। उनका ये कटाक्ष पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के उन 2 सांसदों पर था जो उस वक्त जीत कर संसद पहुंचे थे। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, ये कांग्रेस और भाजपा के पिछले 42 सालों के सफर से समझा जा सकता है। क्योंकि जिस पार्टी के 1984 में 426 सांसद थे, वो 2019 आते आते महज 53 सांसदों पर सिमट गई है। लेकिन जाते जाते हमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ये था भाजपा का 42 साल का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।